मौलिक अधिकार भाग एक। मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस अंक में हम भारतीय संविधान में अर्थात उसके भाग तीन में निहित नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे। मौलिक अधिकारों को सभी नागरिकों के बुनियादी मानव अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है। मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं, जिनका सामान्य परिस्थितियों में उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। संविधान के भाग तीन में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। इनमें कटौती विशेष या आपात परिस्थितियों में ही हो सकती है। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है, जो हमारे देश के कानून का मूल आधार है। ये मूल इसलिए भी हैं क्योंकि ये व्यक्ति के चहुंमुखी विकास, बौद्धिक, भौतिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी हैं। मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकार इसलिए कहा जाता है, ये व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इनके बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। मौलिक अधिकारों का महत्व। मौलिक अधिकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के आधारभूत तत्व होने के साथ साथ व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं। ये राज्य की शक्तियों पर अंकुश लगाकर उसकी स्वेच्छाचारिता या मनमानी से नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। साथ ही सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका वह कार्यपालिका की शक्तियों की सीमा निर्धारित करते हैं। मौलिक अधिकार देश की शासन प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करते हैं और उन्हें राजनीतिक प्रक्रियाओं के प्रति सजग और क्रियाशील बनाते हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। विद्यार्थी ध्यान देंगे कि अधिकार और मौलिक अधिकारों में अगर हम अंतर देखें तो अधिकार तो आवश्यक हैं और मौलिक अधिकार अत्यंत आवश्यक हैं। क्योंकि इनके बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। ये वो दावे हैं जो राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को दिए गए हैं। जब कभी राज्य ऐसा व्यवहार करे कि उसके मौलिक अधिकारों का, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो व्यक्ति राज्य के विरुद्ध दावा कर सकता है। मौलिक अधिकारों का ऐतिहासिक महत्व या ऐतिहासिक पहलू कि किस प्रकार मौलिक अधिकारों का विकास हुआ। मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन में तब हुआ जब 1215 में सम्राट जॉन को ब्रिटेन की जनता ने प्राचीन स्वतंत्रताओं की मान्यता प्रदान करने हेतु मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया। इसके बाद ब्रिटिश जनता ने 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति अर्थात ब्रिटिश संसद और राजा के मध्य संघर्ष में संसद जो वहाँ की जनता की प्रतिनिधि संस्था थी, उसने जनता के विरुद्ध राजा के विरुद्ध गौरवपूर्ण क्रांति की। उसके बाद राजा ने संसद की मांगों को स्वीकार किया और संसद ने 1689 में बिल ऑफ राइट सम्राट के समक्ष रखा और सम्राट ने उस पर स्वीकार कर लिया। इस प्रकार
वहाँ सम्राट की शक्ति सीमित की गई और वो शक्तियाँ जनता में निहित हुई। 1789 में फ्रांस के संविधान में मानवीय अधिकारों को संवैधानिक मान्यता देने की शुरुआत की गई। 1791 में अमेरिका के संविधान में अधिकार पत्र की घोषणा की गई। भारत में मौलिक अधिकारों की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी के संविधान विधेयक में की गई थी। वर्ष 1925 में श्रीमती एनी बेसेंट के कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल तथा वर्ष 1928 की नेहरू रिपोर्ट में भी मौलिक अधिकारों का प्रावधान था। वर्ष 1931 के कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की, में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। वर्ष 1945 में तेज बहादुर सप्रू ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया जाना चाहिए। अंततः परामर्श समिति तथा उप समिति की सिफारिशों के आधार पर मूल अधिकारों को संविधान में शामिल किया गया। मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। इससे पहले विद्यार्थियों को मौलिक अधिकार तथा साधारण अधिकार में अंतर समझ लेना चाहिए कि साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है, जबकि मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान द्वारा की जाती है। साधारण अधिकारों को संसद द्वारा कानून बनाकर परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता है। अब हम मौलिक अधिकारों की विशेषताएं पढ़ेंगे। कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जबकि अन्य नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को के लिए भी उपलब्ध हैं। ये असीमित नहीं हैं, लेकिन वाद योग्य होते हैं। राज्य उन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। हालांकि ये प्रतिबंध उचित है या नहीं, इसका निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाता है। संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के माध्यम से इन अधिकारों को बढ़ा या घटा सकती है। मौलिक अधिकारों को उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत गारंटी व सुरक्षा प्रदान की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, किंतु अनुच्छेद 21 के द्वारा प्रदत्त जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता या उसका हरण नहीं होगा। भारतीय नागरिकों एवं विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकारों को इस तालिका के माध्यम से हम समझेंगे कि कौन कौन से अधिकार तो भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं और कौन से ऐसे मूल अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिक जो भारत की भूमि पर भ्रमण कर रहा है उसको भी प्राप्त हैं। भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार है केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अर्थात अनुच्छेद 15। जबकि विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14, ये
भारतीय नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त है। अर्थात भारतीय संविधान विदेशियों और भारतीय नागरिकों के मध्य अनुच्छेद 14 को समान रूप से लागू करता है। दूसरा है, जैसे भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16, ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है कि जो रोजगार के जितने भी साधन उनमें भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार है, इस ये विदेशियों को नहीं प्रदान है, केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान है अनुच्छेद 16। जबकि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20, ये भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है कि दोष सिद्धि के लिए अपराधी को जोर नहीं दिया जा सकता कि वह अपना अपराध सिद्ध करे। विचार अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण एवं निवास तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19, यह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। जबकि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21, ये भारतीय नागरिक और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। इसी प्रकार अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। जबकि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के जो बाद में जोड़ा गया था, ये भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार अनुच्छेद 30, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। जबकि कुछ मामलों में हिरासत एवं नजरबंदी से संरक्षण अनुच्छेद 22, ये भारतीय नागरिक और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। बलात्श्रम अनुच्छेद 23, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध अनुच्छेद 24, धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, धार्मिक स्वतंत्रताओं के संचालन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26, किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट अनुच्छेद 27, कुछ विशिष्ट संस्थाओं में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 28, ये भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। मूल अधिकारों से असंगत विधियां अनुच्छेद 13, यह व्यवस्था करता है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती है या उन्हें कम करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि विधि की मात्रा तक शून्य होगी। इसी प्रकार अनुच्छेद 13 न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्रदान करता है। यह अधिकार उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 और उच्चतम न्यायालयों को अनुच्छेद 226 द्वारा प्राप्त है। मूल अधिकारों से संबंधित संवैधानिक सिद्धांत, पहला है न्यायिक पुनरावलोकन। जब राज्य जिसमें संसद, विधानमंडल, संसदीय प्राधिकारी तथा अन्य प्राधिकारी शामिल हैं, कोई अधिनियम, विनियम, नियम, परिनियम, अध्यादेश आदि पारित या जारी करते हैं और इसमें अंतर्विष्ट प्रावधान संविधान के भाग 3 में व्यक्तियों को प्रदान किए गए अधिकारों का उल्लंघन या उन्हें न्यून करते हैं, तब याचिका दाखिल किए जाने पर न्यायालय उसका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं। न्यायालयों के ऐसे निर्णयों का भी न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं जो मूलाधिकारों का उल्लंघन करते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया गया है। भावी प्रवर्तन का सिद्धांत, मूल अधिकार का प्रभाव भूतलक्षी नहीं है, बल्कि इसका भावी प्रभाव भविष्यलक्षी है। भारतीय संविधान के प्रवर्तन के पूर्व
प्रवृत्त विधियों पर मूलाधिकारों का प्रभाव उस तिथि से होगा जिस तिथि से मूल अधिकार लागू हुए। संविधान के प्रवर्तन के पूर्व किए गए कार्यों के संबंध में संविधान की पूर्व विधियां होंगी, इसलिए संविधान पूर्व प्रवर्त विधियों के अधीन, संविधान के प्रवर्तन के पूर्व उत्पन्न अधिकार एवं दायित्व का प्रवर्तन कराया जा सकता है, भले ही वे मूल अधिकार का उल्लंघन करते हों। अगला है पृथक्करण का सिद्धांत। यदि राज्य निर्मित किसी विधि का कोई भाग मूल अधिकार से असंगत है या मूल अधिकार के विरुद्ध है तो वह उस पूर्णतया असंवैधानिक होगी और शून्य नहीं घोषित किया जाएगा, बल्कि उसके उस भाग को शून्य घोषित किया जाएगा जो मूल अधिकारों से असंगत या उसके विरुद्ध है। लेकिन शर्त यह है कि वह भाग पृथक करणीय हो। यदि मूल अधिकार से असंगत या उसके विरुद्ध होने वाला भाग पृथक करणीय नहीं है तो पूर्व विधि को शून्य घोषित किया जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई विधि संसद द्वारा निर्मित है और उस विधि द्वारा मूल अधिकारों से असंगत है, अर्थात वह मूल अधिकारों के विरुद्ध है, तो उस विधि को पूर्णतः शून्य घोषित नहीं किया जाएगा, उसके उसी भाग को घोषित किया जाएगा जो मूल अधिकारों के विरुद्ध है या उससे असंगत है। यह इसी शर्त पर किया जाएगा कि वह भाग उससे अलग करने योग्य हो, मतलब जो विधि बनाएगी उससे अलग करने हो, ऐसी उसमें ये बात दिखाई दे कि इस भाग को अलग करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि ऐसी विधि के उससे वह भाग अलग नहीं हो सकता जो संविधान के विरुद्ध है तो संपूर्ण विधि को ही शून्य घोषित किया जाएगा। अगला है अद्वितीयजन का सिद्धांत। अद्वितीयजन का सिद्धांत मूलाधिकार के संबंध में प्रतिपादित सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसके अनुसार कोई व्यक्ति जिसे मूल अधिकार प्रदान किया गया है मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता है। ये व्यक्ति यदि कोई भारतीय नागरिक या जो ये चाहेगा मैं मूल अधिकारों को परित्याग कर दूं, तो वह उनका त्याग नहीं कर सकता है, वो उसे मिलेंगे। अगला है आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। आच्छादन के सिद्धांत के अनुसार संविधान के प्रवर्तन के पूर्व भारत में प्रवर्त विधियां जो मूलाधिकारों से असंगत या के विरुद्ध हैं समाप्त नहीं होती हैं, बल्कि निष्क्रिय हो जाती हैं और ऐसी विधियां मूल अधिकारों द्वारा आच्छादित हो जाती हैं। अर्थात संविधान के प्रवर्तन से पूर्व यदि कोई ऐसी विधि है जो संविधान से असंगत है या उसके विरुद्ध है तो उन्हें समाप्त नहीं कर किया गया बल्कि उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया है, इसे आच्छादन का सिद्धांत कहा जाता है। भाग तीन अर्थात संविधान के भाग तीन मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के भाग तीन में प्रदान किया गया है। भाग तीन के बाहर भी कुछ अधिकार हैं, जैसे अनुच्छेद 300 के संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, विधि के मतलब संपत्ति का अधिकार विधि के प्राधिकार से ही किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित किया जाएगा अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 301 व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता प्रदान करता है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए
भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार वाणिज्य और समागम अबाध होगा। कोई व्यक्ति कहीं पर भी व्यापार कर सकता है, भारत में अपने वाणिज्य और समागम आ जा सकता है। अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार, लोकसभा तथा प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचक वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अब है मूल अधिकारों का वर्गीकरण, जो हम अगले अंक में करेंगे। धन्यवाद।